गाइज अभी मैं जा रही हूँ रोड में दूध देने और अचानक से जोरदार बारिश आ गई। सुबह सुबह 5:30 हो रहा है अभी और भयंकर बारिश हो गई। अभी नहीं थी, बस जैसे ही मैं घर से निकलने वाली थी तब शुरू। सो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है रोशनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज मेरा फास्ट है और मैं मंदिर जा रही हूँ। तो मैं कौन से वाले मंदिर जा रही हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो फिर चलते हैं, अभी मैं रोड में पहुंचने वाली हूँ। तो आज स्कूटी भी जल्दी स्टार्ट हो गई है, तो अब मैं जा रही हूँ मनसूना साइड को। तो अभी मैं हूँ मनसूना मार्केट में और आजकल यहाँ लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो दुकानें शाम तक खुली हुई हैं। अभी मैं मनसूना मार्केट से काफ़ी इधर आ गई हूँ, मनसूना छोड़ गया इधर, और मैं मतलब नदी के इस पार आ चुकी हूँ और यहाँ ऊपर है गुरुआ गांव और मुझे अभी काफ़ी आगे और जाना है। आज काफ़ी लंबी राइड हो गई। तो गाइस ये है मनसूना गांव, ये नीचे गांव है ये सारा मिला के, और जो ऊपर है वो है मार्केट। और मनसूना मार्केट से यहाँ बीच से एक रोड जाती है, ये यहाँ तो ये जाती है इधर मेरे मायके को, गड़गू को। ये देखो ज़रा, आज तो काफ़ी धुंध लगी हुई है तो वैसे क्लियर दिख नहीं रहा। और यहाँ से फिर बुरवा का इलाका शुरू हो जाता है। पहले बुरवा का पैदल रास्ता था यहाँ से ऊपर, यहाँ ऊपर, बट अब रोड चली गई है वहाँ और रोड काफ़ी आगे से गई है इधर से, अभी चल ही रहा है वहाँ काम। और ये वाली नदी जो है, नदी तो नहीं कह सकते आजकल तो गदेरा ही है ये, तो ये आता है सीधे मेरे मायके की साइड से। आपने एक व्लॉग में देखा होगा हम गए थे वहाँ, तो ये वो वाली नदी है। और यहाँ है मम्मी का मायका, मतलब मेरी सासू माँ का, मनसूना में यहाँ पे। यहाँ से बुरवा की रोड जाती है, 2 किलोमीटर ऊपर को है बुरवा गांव, और यहाँ से ठीक नीचे का नज़ारा है ये। तो ये वो वाली नदी है जो मैं कह रही थी हमारी साइड से आती है, और ये नदी आती है मधुगंगा मधमेश्वर से, मधमेश्वर से ऊपर ग्लेशियर से। तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं और फिर यहाँ से मधुगंगा ही कहलाती है। और फिर कुंड में, कुंड से थोड़ा पहले ये मंदाकिनी में मिल जाती है, तो फिर वहाँ से वो मंदाकिनी होती है। पूरा रेत ही रेत हो रखा है यहाँ, तो रेत भर रही है यहाँ पे और खच्चरों में भर रहे हैं ये। तो यहाँ से फिर ये रास्ता है मनसूना आने का, मुझे 4-5 किलोमीटर और आगे जाना है और फिर वहाँ पे जाके आएगा मंदिर, तो मंदिर मैं आपको तब दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो मैं अभी पहुँच चुकी हूँ पुल में, ये दिख ही रहा होगा बड़ा सा पुल है, बहुत बड़ा पुल है ये, और इस जगह का नाम है बिरोली, बिरोली। और ये मेरे पीछे है मधुगंगा नदी, तो ये आगे यहाँ जाके उस वाली नदी में मिलती थी जो मैंने पहले दिखाया था ऊपर से। और ये वाली नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है हमेशा। ये वाली रोड जो है, ये वाली मेन रोड है मनसूना की तरफ को, और ये वाली रोड जाती है नदी की तरफ को, तो क्योंकि ट्रक वगैरह जो भी रेत वगैरह ले जाते हैं यहाँ से, तो गाड़ियाँ जो काम होता है नदी साइड, तो ये वाली रोड मिलती है, तो ये वाली रोड का बनी थी जब सुरंग काम चलता था। तो अभी मुझे पुल क्रॉस करके फिर से आगे जाना है और अभी 2 किलोमीटर और जाना है, तब जाके आएगा मंदिर। और मज़े की बात यह है कि आज मैं पहली बार आई हूँ यहाँ अकेले, इससे पहले काफ़ी बार आई हूँ बट तब ये आदत नहीं था मेरे हस्बैंड, तो आज मैं अकेले आई हूँ राइड करके। और यहाँ की रोड के हाल को क्या कहना है, मैं बुरे हाल है ना, तो जैसे तैसे करके पहुँच गई हूँ, अब आगे भी पहुँच ही जाऊँगी भगवान की कृपा से। और मैं मिल जाऊँ आपको डायरेक्ट सीधे मंदिर के।
अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर पे फाइनली, और जैसे तैसे करके खतरनाक रास्तों से होते हुए। ये जो मंदिर है ये है शनिदेव का मंदिर। बेसिकली वैसे स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन एक शनि शिला रखी हुई है यहाँ पे, और शिवालय भी है, छोटा सा लिंग वगैरह रखा हुआ है, तो मतलब पूजा के लिए अच्छा है। फिर दूसरी चीज़, बिल्कुल अकेली जगह पे है, एकांत में और शांत, और साथ में मधुबंगा की मधुर मधुर आवाज़, तो बस और क्या चाहिए। गाइस अभी मैं जिस रूट पे हूँ ये है मधमेश्वर का रूट। मधमेश्वर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये वाली जो रोड है ये ऊपर जाके मधमेश्वर की तरफ जाती है। तो अभी यहाँ से एक आगे काफ़ी स्टॉप है, राम लेक है, फिर उनियाणा है, फिर रांची है, फिर गोंडा आ रहा है। तो पैदल यात्रा जो है मधमेश्वर की वो रांची से शुरू होती है, 14-15 किलोमीटर होगा लगभग वहाँ से पैदल। पूजा हो चुकी है और अब हम चलते हैं घर को। काफ़ी तेज़ धूप भी हो गई है। अब यहाँ पे है एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड, ये भारत सेवा संघ वालों का है। यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे जहाँ हर जगह मैच होते हैं, तो यहाँ वाले मैच इस एरिया के इस ग्राउंड में होते हैं। मतलब यहाँ 4-5 महीने तक क्रिकेट टूर्नामेंट चलते ही रहते हैं सर्दियों में। और इस सारे एरिया से मेरा बचपन का बहुत पुराना नाता है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत बार आई हूँ। गोंडा में मेरी मौसी रहती थी तो उनके यहाँ जाती थी मैं हर जून की छुट्टियों में, और जो सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं जनवरी में, तो हर साल मैं 2-2 चक्कर जाती थी वहाँ। और उस टाइम तक रोड भी केवल ऊपर उनियाणा तक थी, रांची तक भी नहीं थी, तो फिर भी गाड़ियाँ नहीं मिलती थी क्योंकि जून के टाइम पे सीज़न का टाइम रहता तो गाड़ियाँ नहीं रहती थी। तो मनसूना से क्या गड़गू से मनसूना, फिर पैदल, फिर यहाँ से बीच से, और ये पूरा रास्ता यहाँ से ऊपर पैदल जाते थे। तो बचपन में उतना लगता भी नहीं है पैदल जाना, मतलब नॉर्मली लगता है। तो मैं बहुत बार आई हूँ यहाँ भी। मैं यहाँ का जो प्रसिद्ध नाम है वो है पौंडार। तो ये सारा एरिया है पौंडार का, और इसके आगे फिर यहाँ ऊपर मकान दिखते हैं तो ये छाजी है, फिर राम लेक है, ऊपर काफ़ी सारे गांव हैं फिर इधर साइड। तो ये है पूरी मधमेश्वर वैली। तो अभी मैं रुकी हूँ एक धार में, और यहाँ से नदी का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था तो इसलिए मैं रुकी हूँ। देखो, और ये है बिरोली का फेमस पुल, बहुत पुराना पुल है ये। और अभी मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से पुल से फिर इधर, और ये वाले जो मोड़ दिख रहे हैं यहाँ से, और फिर सीधे मनसूना यहाँ से घूम के, और ये वाली वो रोड है जो नीचे साइड तक जाती है क्योंकि यहाँ पे सुरंग वगैरह का काम चला हुआ है। और ये है मधुगंगा। गाइस अभी मैं मनसूना साइड को आ गई हूँ वापस, और ये है दूसरा पुल। और ये वाला पुल बना है हमारे यहाँ से जो नदी आती है हमारे गांव की साइड, मतलब गड़गू साइड से, तो ये वाला पुल इस वाली नदी पे बना है। इसमें आजकल बहुत कम पानी रहता है लेकिन अब सावन के महीने ये भी बहुत भयंकर हो जाती है। तो ये वाला पुल इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है क्योंकि यहाँ वाली नदी भी थोड़ी छोटी है। यहाँ ऊपर गेट के नीचे एक मोहल्ला है धनोला, तो इसके इस वाले एरिया को धनोला पुल है, और ये है धनोला का पुल। वहाँ पे देखो ऊपर चट्टान से पानी निकल रहा है, ये गिरा नीचे, तो बरसात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी आता है यहाँ से भी, और ये मस्त वाला वाटरफॉल बन जाता है छोटा सा।
और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है ना पानी के पास में, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, वरना उधर साइड को काफ़ी धूप थी, तो अब पुल के इधर साइड को उतनी धूप नहीं है तो अब आराम से जा सकते हैं। अभी मैं हूँ मनसुना, मैं नानी के किचन में और नानी ने मेरे को दिया है दूध गर्म करके गिलास। मनसुना साइड बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखो मौसम आज इस तरीके का मौसम है, और मनसुना साइड काफ़ी बारिश होती है लेकिन मनसुना से मैधार से इधर फिर बारिश बंद हो जाती है, यहीं पे मौसम चेंज हो जाता है। तो इधर साइड तो धूप लगी हुई है अभी, तो जब तक बादल इधर सरकते हैं तब तक हम जल्दी जल्दी घर निकल जाते हैं। तो गाइस रोड में पहुंच चुकी हूँ मैं, स्कूटी पार्क हो गई है और अब चलते हैं घर। इधर की साइड को तो अच्छा मौसम है, धूप लगी हुई है, मनसुना साइड बारिश शुरू हो गई थी। तो मम्मी भी गए थे फापन चक्की में, फापन में गांव में हमारी चक्की, तो अभी जो हम गेहूँ लेके गए थे वो पिसे नहीं हैं तो इसलिए मम्मी वहाँ पे रुके हुए हैं, और ये वाला बैग मैं लेके आ गई हूँ तो ये मैं लेके चलती हूँ और इसको इसमें रखती हूँ, ले जाने में आसानी होगी, हाथ पे तो इतनी चढ़ाई पे बहुत मुश्किल हो जाती है हाथ में कुछ भी सामान ले जाने के लिए। तो तब तक हम चलते हैं घर, मम्मी के लिए लंच वगैरह बनाते हैं फिलहाल जब तक मम्मी आते हैं, क्योंकि 12:30 का टाइम हो गया है। तो आटा मैंने अभी पीठ वाले बैग पे रखा था और ये इतना गर्म लग रहा है ना पीठ पे, जैसे गर्म गर्म तवा रखा हो पीछे से, ऐसा लग रहा है बहुत गर्म लग रहा है क्योंकि अभी अभी पिसा है चक्की से, तो ताज़ा ताज़ा ऐसा गर्म गर्म फील हो रहा है, और ताज़े ताज़े पिसे हुए आटे की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना पीछे से मैं बता नहीं सकती। तो ये भी हो सकता है कि आज व्रत है और भूख से क्या पता ज़्यादा ही खुशबू आ रही हो, नाक तेज हो गया हो भूख से, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये पिसे हुए आटे की ताज़ी ताज़ी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। फुल मस्ती के मूड में, बेचारे को सुबह से बांधा हुआ था अभी आके खोला मैंने। तो अभी मैं घर पे पहुंची और घर पे आके पता चला कि चाबी मम्मी गलती से अपने पास ले गए, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, मम्मी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं ऑटो में वेट करते हैं मम्मी के आने का। मम्मी अभी घर से काफ़ी दूर हैं, मैंने फ़ोन किया था तो मैं थोड़ा नीचे तक मम्मी को लेने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही भयंकर वाली धूप हो रही है ये देखो, और दिन के 1:30 बज चुके हैं अभी तक। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। टोनू बाय बाय बोल।